आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट टीम अपनी आखिरी वनडे में बुरी तरीके से हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने दिल्ली वनडे को 35 रनों से जीत दर्ज करने के साथ ही टीम इंडिया को वनडे सीरीज में 3-2 से करारी मात दे दी, वो भी तब जब सीरीज के पहले दो वनडे मैच भारतीय टीम जीत चुकी थी। अपने घर में T20 और उसके बाद वनडे सीरीज में भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत इस बार विश्व कप का दावेदार है या फिर ये सभी दावे खोखले हैं। बुधवार को आखिरी वनडे मैच में टॉस के दौरान विराट कोहली ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो टीम आज मैदान पर उतरने जा रही है लगभग वही टीम विश्व कप 2019 में इंग्लैंड के मैदान पर उतरेगी। मैच खत्म होता इससे पहले ही कमेंट्री के दौरान पूर्व दिग्गज खिलाड़ी गौतम गंभीर ने विराट के इस बयान की धज्जियां उड़ा दी। आइए जानते हैं विराट कोहली ने ऐसा क्या कह दिया और फिर गौतम गंभीर ने बीच मैच में ही इसका कैसे जवाब दिया। विराट कोहली ने कहा था, दिल्ली वनडे से ठीक पहले टॉस हारने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि आज जिस कॉम्बिनेशन के साथ हम मैदान पर उतरने जा रहे हैं लगभग इसी को ही वो टीम माना जा सकता है जो वर्ल्ड कप में खेलेगी और संतुलन बनाएगी। इसके बाद वो हुआ जो सभी ने देखा, ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करने उतरा, एक बार फिर उस्मान ख्वाजा ने शतक जड़ा। इस सीरीज में उनका ये दूसरा शतक था। इस दम पर कंगारुओं ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 272 रन बनाए। जवाब में उतरी विराट की विश्व कप की संभावित टीम 50 ओवर में कुल 237 रनों पर ही सिमट गई और 35 रनों से मैच को गंवा दिया। रोहित शर्मा एकमात्र बल्लेबाज रहे जिन्होंने अर्धशतक जड़ा। रोहित शर्मा 56 रन बनाकर आउट हुए। अंत में भुवनेश्वर कुमार ने 46 रनों की पारी खेली और अंत में भुवनेश्वर कुमार की वो 46 रनों की पारी ना खेलते तो ये हार और भी बड़ी हो सकती थी। विराट ने यहाँ पे सिर्फ 20 रन बनाए। विराट ने बुधवार को जो टीम मैदान विश्व कप की टीम बताकर उतारी थी उसमें सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या की कमी थी। धोनी को आराम दिया गया था जबकि हार्दिक पांड्या चोट से बाहर थे, हालांकि अब वो फिट है। मैच के दौरान कमेंट्री बॉक्स में विश्व कप को लेकर टीम की चर्चा हो रही थी तभी गौतम गंभीर ने विराट के बयान और टीम को खारिज कर दिया। गंभीर ने साफ शब्दों में कहा, देखिए टीम तो लगभग तय हो चुकी है क्योंकि इसके बाद आईपीएल और फिर वर्ल्ड कप है, लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये आपकी बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं है जो कि विराट कोहली ने टॉस में बोला था। ये टीम आपको बिल्कुल मनोबल नहीं बढ़ाती है। अगर आप इनमें महेंद्र सिंह धोनी को जोड़ भी लीजिए तब भी बल्लेबाजी क्रम में जो गहराई आप ढूंढ रहे हैं वो आपको इस प्लेइंग 11 से नहीं मिलने वाली है। यही नहीं, गौतम गंभीर ने दिल्ली वनडे में विराट कोहली द्वारा अंबती रायडू को बाहर रखने पर भी आपत्ति जताई। इस बाएं हाथ के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने कहा कि रायडू ने ऐसा कुछ भी खराब नहीं किया कि वो इस मैच या इस प्लेइंग 11 में नहीं रखे गए। वे न्यूजीलैंड में रन बनाए, वेस्टइंडीज में आपके लिए रन बनाए और कुछ मैच खराब होते हैं तो आप उनको शीर्ष 11 से बाहर कर देते हैं। आपने शिखर धवन को 19 मैचों का मौका दिया, आपने अंबती रायडू को सिर्फ 3 मौके दिए। जब आप कप्तान होते हो और टीम मैनेजमेंट होती है तब आपको सबके लिए बराबर रहना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि शिखर धवन वर्ल्ड कप से पहले फॉर्म में आए क्योंकि वो आपके सबसे अहम खिलाड़ी हैं तो आपको वही फैसला अंबती रायडू के लिए भी होना चाहिए कि आप उसको वापस लेकर आए और लगातार चौथे नंबर पर खिलाए, क्योंकि ये जो आज की बल्लेबाजी यानी कि दिल्ली वनडे में जो आज बल्लेबाजी देखने को मिली इस बारे में हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा रन नहीं बनाएंगे तो ये मैच भारत नहीं जीत पाएगा। गौतम गंभीर हमेशा से अपने बेबाक बयानों और खुलकर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं और जो कुछ उन्होंने कमेंट्री के दौरान कहा वो काफी हद तक सही भी लगता है। अगर विराट कोहली ने अभी से इस टीम को फाइनल करने का मन बना लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल 2 वनडे मैच के मौके के साथ खराब प्रदर्शन के बावजूद भी 21 साल के ऋषभ पंत इंग्लैंड में विश्व कप जैसे टूर्नामेंट खेलते नजर आएंगे। बिना मौका दिए दिनेश कार्तिक के अनुभव को हम नजरअंदाज कर देंगे। इसके अलावा घर में जब एक युवा ऑस्ट्रेलिया स्पिनर एडम जाम्पा ने शिखर धवन के अलावा हर शीर्ष बल्लेबाज को आउट करते हुए अपने पूरे सीरीज हमसे छीन ली, ऐसी स्थिति में क्या हमारे बल्लेबाज क्रम 2019 वर्ल्ड कप के हालातों को रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करने में सक्षम है। खुद विराट कोहली भी ये कह चुके हैं कि इस बार विश्व कप में टीमें धाकर नजर आ रही हैं और किसी भी टीम को कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी। स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।